हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बंगाली का एक सिग्नेचर डिश बताऊंगी। चलो चले। आलू का छिलका छीले और पतले पतले आकार में काट ले। आलू के टुकड़ों को बहते पानी के नीचे धोए और उन्हें पानी से भरे कटोरे में रखे ताकि आलू काले ना पड़े। आलू को साफ पानी से 3-4 बार धोए और छन्नी में डाल दें। एक कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें, तेल गरम करें और तेल में कलौंजी 1/2 टीस्पून और हींग का तड़का लगाएं। हींग की खुशबू इस रेसिपी की जान है। अब आप इसमें 2 हरी मिर्च डालें। इसमें आलू के टुकड़े डालकर आंच पर लगभग 5 से 7 मिनट तक भून लीजिए। अब आलू में 1 चम्मच नमक डालें। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। आलू पकने के लिए 1/2 कप गरम पानी डालें, अच्छी तरह मिलाएं। पैन को ढक्कन से ढक दें और धीमी आंच पर पानी सूखने तक पकाते रहें। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, पीछे से हॉकर्स की आवाज़ आ रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको आलू के नरम होने और अर्ध नरम होने तक पकाने की ज़रूरत है। एक बार हो जाने पर चीनी डालें। चीनी मैंने 1/2 चम्मच डाला है। इसमें ना बहुत अच्छा स्वाद बढ़ता है इसमें, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप अगर नहीं डालना चाहे तो ना डालें। अभी इसको अच्छी तरह मिला लें और 1 चम्मच से आप एक बार देख लीजिएगा आलू आपका नरम हो गया कि नहीं। मैंने पहले ही मैदा गूंथ कर और पूरियां मैंने बेल रखे थे। अब जल्दी से सारी पूरियां हम तल लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे लिए सादा आलू तरकारी वह भावना है जिसे याद करके बहुत खुशी महसूस होती है। हम बचपन में भाई बहन एंजॉय करते थे। रविवार को गरम गरम पूरी और सादा आलू की सब्जी, वाह, और साथ में गप्पे बहुत देर तक चलता था। अभी भी ओकेशनली 1 बार महीने में तो बनाती हूँ। सादा आलू तरकारी की बात करें तो यह एक सिग्नेचर बंगाली स्पेशल है। सादा आलू मतलब सफ़ेद होता है और इसलिए कोई हल्दी नहीं है। हालांकि यदि आप चाहें तो वह भी मिला सकते हैं। चले जल्दी से सर्व करें और इंतज़ार करें क्या रिज़ल्ट है इनका। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला एक डिश है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं है। आप भी बनाएं और मुझे कमेंट करें आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।
फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं ये पूरी की रेसिपी के लिए।